हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में गाइस आज हम बनाने वाले हैं जेठालाल जी की ड्राइंग को। एंड गाइस ये पार्ट सेकंड है एंड फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने चैनल पर, आप उसको जाकर देख सकते हो। एंड गाइस ये है सीडिंग ट्यूटोरियल पार्ट टू। एंड इसके अंदर जो भी मैं आपको मटेरियल्स दिखाऊंगा, मतलब कि जो भी मटेरियल मैं यूज़ करूंगा, आपको ज़रूर नहीं कि आपको वही मटेरियल यूज़ करने हैं, आप कोई से भी मटेरियल इस वीडियो के मतलब कि इस ड्राइंग को बनाने में कोई से भी मटेरियल को आप यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं एक बार मैं आपको फ़ोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ कि कौन सी फ़ोटोग्राफ है। देख लीजिए, ये वाली फ़ोटोग्राफ मैंने चूज़ करी थी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए ये वाली फ़ोटोग्राफ जो है मैंने चूज़ करी थी गाइज, एंड बहुत ज़्यादा अमेजिंग फ़ोटोग्राफ है ये, इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेलिंग भी है। तो इसको अब हम बनाएंगे। एंड अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसको देख लेना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इसका थर्ड पार्ट भी गाइस मैं लाऊंगा जल्दी से, तो उसको भी ज़रूर से देखना। तो चलिए अब इसको बनाना करते हैं स्टार्ट। तो मैंने ऑलरेडी आउटलाइन बना रखी थी जैसे मैंने आपको कहा था। तो सबसे पहले मैं फ़र्स्ट लेयर कर रहा हूँ HB पेंसिल की हेल्प से, वो बियानियों की पेंसिल ले रखी है मैंने। आप कोई सी पेंसिल का यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, आर्टलाइन, डोम्स, जो सी भी हो। सबसे पहले आपको सिंपली HB से आई बॉल के अंदर शेडिंग कर लेनी है एंड देन आई के अंदर भी शेडिंग कर लेनी है आपको सिंपली, जिस तरह से मैं वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको करना है। देख सकते हो आप, मैं सिंपल शेडिंग कर रहा हूँ इसके अंदर और कुछ नहीं कर रहा। फर्स्ट लेयर चलानी है गाइज आपको, देन फर्स्ट लेयर को चला लेने के बाद हम इसको ब्लेंड कर लेंगे मेकअप ब्रश की हेल्प से। आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद गाइज हम इसके ऊपर चलाएंगे गाइज सेकंड लेयर चलाएंगे हम गाइज 2B पेंसिल की हेल्प से। मैं यहाँ पर कोई सी भी पेंसिल का आप इस्तेमाल कर सकते हो जो सी आपके पास अवेलेबल हो। एंड गाइज ज़रूरी नहीं है कि आपको यही है पेंसिल इस्तेमाल करनी है। एंड गाइज आप वीडियो को अच्छे से देखिए, जहाँ जहाँ पर मेरी डिटेलिंग है, मतलब कि जहाँ जहाँ पर डार्क करना है, जहाँ जहाँ पर लाइट करना है, वहाँ से छोड़ के चलिए। एंड आप छोड़ के चलिए हाईलाइट को, क्योंकि अगर आप नीडेबल इरेजर की हेल्प से हाईलाइट करोगे तो इतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन अगर आप बिल्कुल ऐसे छोड़ के चलोगे तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा दिखता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा डार्क कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस की ज़रूरत है, इसलिए मैं यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ। एंड अगर आप सिंपली इसी तरह से बनाना चाहते हो जिस तरह से मैं बना रहा हूँ, तो सिंपल आपको मेरे ही प्रोसेस को रूल मतलब कि इसको अपनाना होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ बढ़िया तरह। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। फर्स्ट आई देख लीजिए मैंने बना ली है और थोड़ी बहुत डिटेलिंग इसके अंदर होती है। एंड अभी आप वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए कि मैं किस तरह से बना रहा हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको मिलता हूँ। तो देखिए गाइस मैंने आईब्रो भी इसकी बना दी है एंड आईब्रो बनाने लेने के बाद देन मैं यहाँ पर आई के ऊपर शेडिंग करूँगा आईब्रो के नीचे। एंड यहाँ पर भी सिंपली डार्कनेस एंड लाइट्स के हिसाब से मैं यहाँ पर शेडिंग कर दूंगा फोटोग्राफ के हिसाब से देख के। आईब्रो में थोड़ा बहुत डार्कनेस और कर दूंगा, उसके बाद मैं फोरहेड में आ जाऊँगा एंड यहाँ पर फर्स्ट लेयर चलाऊँगा HB पेंसिल की हेल्प से, जैसे कि आप देख सकते हो सिंपली। उसके बाद कॉटन की हेल्प से ब्लेंड करके 2B पेंसिल की हेल्प से जहाँ पर डार्क है जहाँ पर लाइट है वहाँ पर सिंपली शेडिंग कर लूँगा, जैसे कि आप देख पा रहे हो। बहुत ज़्यादा सिंपल है, शेडिंग कर लेने के बाद देन ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लूँगा, थोड़ा बहुत टिश्यू पेपर की हेल्प से ब्लेंड करूँगा। एंड यहाँ पर गाइज मैं रिंकल्स बना दूंगा एंड रिंकल्स बना देने के बाद आप देख सकते हो मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत शेडिंग और करूँगा एंड फिर मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड करूँगा। एंड एक और बार गाइज मैं यहाँ पर अब यूज़ कर रहा हूँ HB पेंसिल की हेल्प से स्लोली काम कर रहा हूँ गाइज, मैं बहुत स्लोली। ये वीडियो मैंने फास्ट कर रखी है, आपको बिल्कुल स्लोली काम करना है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी करोगे तो आपका काम बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ आखिर में 10B पेंसिल यहाँ पर, उसके बाद मैं एक और पेंसिल यूज़ कर लेता हूँ। एंड यहाँ भी यहाँ पर मैं नीडेबल यूज़ कर थोड़ी बहुत डिटेलिंग दे रहा हूँ फोटोग्राफ के हिसाब से, जैसी भी डिटेलिंग है। एंड उसके बाद मैं आ गया दूसरी आई में से फर्स्ट लेयर में कर रहा हूँ HB पेंसिल की हेल्प से, जैसे कि फर्स्ट लेयर अब फर्स्ट टाइम में आपने देखा था। इसी तरह से सिंपल ये भी आईज आपको बना लेनी है, बहुत ज़्यादा सिंपल है ये आई भी बनाना, बस इसके अंदर थोड़ी बहुत डिटेलिंग और है फर्स्ट आई से ज़्यादा। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ, देख लीजिए। एंड बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये आई को भी बनाना। तो अभी आप फिलहाल इसको देखिए कि मैं किस तरह से इसको बना रहा हूँ सिंपली, एंड उसी तरह से आप भी इसको बनाइए।
देखिए गाइज मैंने इसको भी बना दिया है एंड जेली रोल पेन की हेल्प से थोड़ी बहुत डिटेलिंग और कर दूंगा, डार्कनेस कर दूंगा। आईब्रो के अंदर मैंने 8B पेंसिल का यूज़ कर दिया है एंड आईब्रो भी कर दी है गाइज मैंने डार्क। एंड उसके बाद मैं बनाऊंगा गाइज यहाँ पर हेयर्स बनाने के लिए गाइज आई एम यूजिंग चारकोल पेंसिल कैमलिन की चारकोल पेंसिल सॉफ्ट होती है, आप कोई भी कंपनी की ब्रांड की यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर अप्सरा की भी यूज़ करी थी बीच बीच में, आपके पास जो अवेलेबल हो मैं कहता रहा हूँ आप उसका यूज़ करिए। बस आपको सिंपली मेरा प्रोसेस ये जिस तरह से मैं हेयर्स की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स दे रहा हूँ इसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स देने हैं, बहुत ही स्लोली एंड बहुत स्लोली काम करना है गाइज आपको। मैंने यहाँ पर वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड कर रखी है बट आपको बहुत ज़्यादा स्लोली काम करना होगा। तो अभी आप इसको देखिए कि मैं किस तरह से कर रहा हूँ एंड आपको उसके बाद इसको ब्लेंड कर देना है मेकअप ब्रश की हेल्प से। मैंने आपसे पहले भी कहा था, देख लीजिए, उसके बाद देख लीजिए कितनी डार्कनेस इसके अंदर आ चुकी है। उसके बाद देखिए गाइज मैं इसके अंदर दे रहा हूँ सेकंड लेयर जिस तरह से आप देख पा रहे हो उसी तरह से। एंड गाइज फर्स्ट लेयर में आपको प्रेशर का यूज़ नहीं करना था, सेकंड लेयर के अंदर आपको प्रेशर का यूज़ करना है बहुत ज़्यादा, बल्कि इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही निपका टूट जाए, निप टूट जाए, बिल्कुल ज़्यादा प्रेशर का यूज़ नहीं करना, बट हाँ प्रेशर का यूज़ करना है। एंड स्ट्रोक्स दे देने हैं आपको सिंपल जिस तरह से मैं दे रहा हूँ। उसके बाद सिंपली मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देना है एंड ड्राइंग हमारी हो चुकी है बल्कि इतनी जितनी आपने देखी। तो अभी गाइज आपने देख लिया कि मैंने आपको किस तरह से सिखाया कि आप जेठालाल जी की ड्राइंग बना सकते हो। एंड अब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको इस तरह का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर देना एंड वीडियो को कर देना लाइक एंड कमेंट भी ज़रूर कर देना। एंड गाइज आप मेरे को कमीशन वर्क भी दे सकते हो, कमीशन वर्क किस केसेस की प्राइस आपको मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो ज़रूर से कर देना, इंस्टाग्राम पर भी गाइज मैं अपनी पोस्ट डालता रहता हूँ। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।